मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर से शाही अंदाज में निकली शाही पालकी, जगह जगह पर हुआ स्वागत, पहुंचे हजारों लोग देखने के लिए। पशुपतिनाथ मंदिर से सावन माह के चौथे सोमवार पर मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ भगवान से शाही पालकी नगर भवन पर निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालु ने शाही पालकी का जोरदार स्वागत किया। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ विराजित है। यह मंदिर भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। सावन माह के चौथे सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ की शाही पालकी नगर भ्रमण पर निकलती है, जबकि सावन के पांचवे सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी निकाली जाती है। सोमवार सुबह भगवान पशुपतिनाथ का विशेष पूजन अर्चन की गई, जिसके बाद भगवान की आरती हुई। इसके पश्चात शाही पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकली एवं सावन माह के चौथे सोमवार पर पशुपतिनाथ मंदिर पर सुबह महादेव का दूध दही पंचामृत से विशेष अभिषेक किया गया और पशुपतिनाथ मंदिर पर आज सोमवार होने के कारण अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जिसको देखते हुए पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया एवं बाहर से ही भक्तों को दर्शन करना पड़ा। शाही पालकी में ढोल नगाड़े झांकियां अखाड़े आकर्षण का केंद्र रही। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर कलेक्टर आदित्य गर्ग एवं एडिशनल SP गौतम सिंह सोलंकी द्वारा शाही पालकी की पूजा अर्चना की गई एवं उसके बाद पुलिस द्वारा पहली बार सलामी दी गई एवं बैंडबाजे बजाए गए। उसके बाद शाही पालकी को शहर भर में निकल गया एवं शिव भक्तों ने भी धार्मिक भजनों पर नाचते झूमते हुए नजर आए। जी, आज यहाँ से जो शाही पालकी अभी निकली है उसकी व्यवस्थाएं, तैयारी और पालकी का विसर्जन की व्यवस्था देखने के लिए यहाँ पर शासन उपस्थित है और वही मैं देखने आई हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा भी पहली बार पालकी का दर्शन हुआ है। आपके माध्यम से मैं सभी मंदसौर नगर वासियों को शुभकामनाएं देती हूँ और शांतिपूर्वक इसकी संपन्न होने की कामना करते हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान पशुपतिनाथ की शयन कालीन आरती हुआ पालकी मंडल के तत्वाधान में प्रतिवर्ष अनुसार, इस बार भी भव्य रूप पालकी में लिया है और मैम ने जो आपको सौगात दी है जो इतने वर्षों से नहीं हो रही थी, वो मैं उनका आभार, मतलब पूरे मंडल की तरफ से आभार मानता हूँ और मैं उनको सतत प्रणाम करता हूँ कि ऐसा मतलब आयोजन में उनने हमको इतना अच्छा गिफ्ट दिया। महादेव को जो बैंड दिया मतलब बहुत अच्छा है, भगवान उन पर सदा कृपा बनाए रखें। बैंड की जो बैंड दिया है और सलामी की जो कहा है बहुत अच्छे से बात अच्छे से करा और उन्होंने बहुत अच्छी सुविधाएं करी हैं जो मंडल को आज तक नहीं मिली, आज मिली है। राजेश राव चौहान। आज पशुपतिनाथ महादेव की पूरा शहर भ्रमण है और इस दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। इसमें यहाँ पर हमारे अलग अलग थाना प्रभारी और सेक्टर मोबाइल्स लगाई गई है जो लगातार भ्रमण करती रहेंगी। इसके अलावा राजपथ अधिकारी और अन्य अधिकारी भी इसमें सुरक्षा में लगाए गए हैं। पूरा मार्ग जो हमारा CCTV कैमरा से कंट्रोल्ड है और इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। श्रावण मास का पुण्य पवित्र मास का बड़ी धूमधाम से पशुपतिनाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। आज श्रावण मास का चौथा सोमवार है जिसमें पशुपतिनाथ मंदिर में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन तो संपन्न किया जा रहे हैं। आज प्रातः पट खुलते से भगवान पशुपतिनाथ महादेव का पंचामृत स्नान अभिषेक हुआ है, तत्पश्चात महाआरती उतारी गई और आज यहाँ पर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ अष्ट धातु में निर्मित प्रतिमा के स्वरूप में शाही पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और यहाँ पर पूरी सुरक्षा के चौकजमन व्यवस्था की गई प्रबंध समिति द्वारा। सुबह से ही भक्तों का तांता भगवान दर्शन करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है।